बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब आप साहब की वाणी में देखें उस नाम को अगम्य, अकह, अनिर्वर्षणीय आदि शब्द कहे, यानी कि जो वाणी के अंदर नहीं आता है, बोला नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है, मीन्स ऐसा कोई एलिमेंट है। लेकिन हम सब भौतिकवादी है ना, उस तथ्य को समझ नहीं पाए। धर्मदास जी साहब से पूछ रहे हैं, निसंशय पद हैं कहाँ? धर्मदास जी बेसिक वैष्णव से थे। उस समय वैष्णव भक्ति पीक पर थी जब साहब आए थे, तो साहब ने जब इनको चेतन किया तो इन्होंने एक बात कही, आपने सगुण निर्गुण दोनों को खंडित किया, आखिर कौन सी भक्ति करें? यही चीज दुनिया के लोग नहीं समझ पा रहे, इसलिए आपका विरोध कर रहे हैं ना, ये किसी को नहीं मान रहे। आमतौर पर एक खिचड़ी भक्ति चल रही है सबको, सभी देवी देवता, कुल देवता, पितर वगैरह, भूत प्रेत सबको। जब उनसे कहो कौन सी भक्ति करते, बोला हम सबको मानते हैं। आदि न अंत हति नहीं माया, ये प्रकृति भी नहीं थी। उत्पत प्रलय हति न काया, उत्पत्ति भी नहीं थी, प्रलय भी नहीं था, शरीर भी नहीं था। तब की बात कहूं धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल लकाशा, तब नहीं तीन गुणन को भेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न तहवा, चांद सूरज धरती तारागढ़ नाही। आगे क्या करे, वेद न जानत उस स्थिति को, ठीक है। कारण सूक्ष्म नहीं स्थूल, कुछ भी नहीं था, कारण सूक्ष्म स्थूल, कोई सृष्टि नहीं थी। आदि ब्रह्म नहीं ओंकार, ओंकार भी नहीं था, जो नहीं था मीन्स नथिंग। नहीं निरंजन, नहीं अवतारा, निरंजन भी नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि निरंजन प्रलय उत्पत्त कैसे करता है। जैसे सर्कस वाले पूरा तामझाम लगाते हैं, समेट कर फिर चल पड़ते हैं, इस तरह कोटि प्रलय हो गई, उसको ही हैविंग एक्सपीरियंस टू क्रिएट वर्ल्ड एंड डिसल्यूट वर्ल्ड, उसको अनुभव है। डॉक्टर सैमुअल खगोल की वैज्ञानिक है, उसने भी एक बात कही है कि धरती के उत्पन्न होने के बाद 500 करोड़ साल तक सिर्फ जल ही जल था। जल में जीवन आने में 500 करोड़ साल हुए लगे, और पृथ्वी बनने में जल ही जल था। दस अवतार न 24 रूपा, तब नहीं हते ज्योति स्वरूपा, पूर्ण पाप काहू नहीं थापा, सोय ब्रह्म नहीं सोहंग जापा, सोहंग भी नहीं था। नहीं तब शून्य सुमेर न भारा, सुमेर भी नहीं था, शून्य भी नहीं थी। कूर्म न शेष धरे अवतारा, ये भी नहीं थे। अक्षर एक निरंकारा, निरंकार भी नहीं था। त्रिगुण रूप नहीं विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। शक्ति युक्त नहीं आदि भवानी, एक हुए ना ज्ञान अज्ञानी नहीं थे। शब्द स्वांत कछु नहीं हुई, ये धुने भी नहीं थी। जो कुछ पंथ कह रहे ना, ये सच्चा नाम, यही सच्चा परमात्मा कहते हैं कि नहीं, कह रहे ये भी नहीं थे। कहो विचार सुनो तुम सोई, नहीं बीज नहीं अंकुरा, आदि अमीना चंद्र न सूर्या। धर्मदास समझ के रहना, क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, बोला वाणी में नहीं आ रहा। धर्मदास कह सुनो गुसाई, इन बातन बनबे की नहीं। वो कह रहे इन बातों को बोलने से काम नहीं चलेगा, अगर क्या था ये तो बताओ। वो क्या है, क्यों संशय, वे एक ठोरी
तुम ही हते कि हैं कोई और ही, तुम ही थे या कोई और भी था? सत्य सत्य अब कहिए, संशय रहत सोई पद लहिए। त्रैवाचा ले पूछो साईं, साधु संत तुम आप साईं। अब देखो साहब क्या उत्तर दे रहे हैं, सुनना। कहे कभी सुनो धर्मदासा, सकल भेद में किया प्रकाशा, जो प्रतीत होए मन तोरे, अगर तेरे अंदर प्रतीत है, भाव को मेट शरण रह मोरे, मुझे ही पकड़ ले। देखो साहब भी यही कह, धर्मदास छोड़ो सब माया, अस्त्र अमर अखंडित काया, भक्ति मुक्त उपती है जासे, प्रेम है लगन लगावता से, अब मैं तो लखाऊं जागा, छूटे जन्म मरण का धागा। जन्म मरण है अति दुख भारी, तासे तुमको ले उबारी। जन्म मरण का दुख बहुत भयंकर दुख है, अब मैं भेद बताऊं, निर्मल ठोर न्यार, सर्व परे सब ऊपरे, देखो वहां आकार। पुरुष कहो तो पुरुष नहीं, अब परमात्मा के लिए बोल रहे हैं, वो पुरुष नहीं है। स्त्री और पुरुष तो काया के कारण है, नारी भी नहीं है। शब्द कहो तो शब्द है ना ही, वो धुने भी नहीं है, कितना क्लियर। शब्द होए माया के शाही, ये शब्द माया से होता है। कैसे? दो बिना होए ना अधर आवाजा, साउंड दो के बिना हो ही नहीं सकती। क्या दो? देखो नहीं हुई ना आवाज, क्यों आवाज हुई? गुब्बारा फूटता है तो साउंड क्यों हुआ इतना? मास्टर जी मास्टर जी वो बैठे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ, हवा आवाज क्यों हुई? तो साउंड कहाँ से क्यों उत्पन्न हुई? जो गुब्बारा था वो प्रतितत्व है, हवा ने जब प्रेशर दिया तो उसने उसको डैमेज किया, हवा से साउंड नहीं हुई, हवा से साउंड नहीं है, हवा और प्रतितत्व से साउंड है। अभी तेज हवा चलती है तो आप कह रहे हैं ये आवाज हवा से आया क्या? जिन वस्तुओं से हवा टकराई उसके कारण तो आया ना, पेड़ों से टकराई तो बहुत जोरदार आवाज होने लगी, टीने से टकराई तो आवाज होने लगी, जमीन से टकराई इनसे तो यहां से रिटर्न होकर आवाज हुई। यानी साउंड में दो तत्व है, पृथ्वी और वायु। इस तरह जो अनाज धुने हैं ना वो भी पृथ्वी और वायु हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपनी दोनों मुट्ठियाँ जोर से बंद करके दांत भीचो तो आपको कानों में अनाज धुने ज़्यादा सुनाई पड़ेगी। आप करो ऐसा, आवाज़ हुई? मास्टर जी आवाज क्यों हुई? आप संतुष्ट हैं उत्तर से? बैठ जाओ। दरअसल हमारे फेफड़ों में भी हवा थी, हमारे अंदर हवा है, जब हमने जूंड लगाया तो हवा कंसंट्रेट हुई और नाड़ियों को उसने जिंगलमेंट कर दिया,
समझ में आई बात? क्या हुआ? ये जो नाड़ियाँ थी, हवा और नाड़ी, यूं किया हमने तो वो हवा कंसंट्रेट हुई और नाड़ियों से टकराई, वो सुनना कहाँ है? कान में, इसलिए वहाँ आवाज़ आई। इसी को वो कह रहे हैं सच्चा नाम। और सच्चा परमात्मा तो साहेब वाणी में साहब यहाँ कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, इसको अनहद होने का ये भी खत्म हो जाएगी। ये नाड़ियों और श्वास के कारण है। मैंने एग्जांपल दिया, अभी आपको नहीं सुनाई दे रही है, जैसे आपने अभी सुनाई दे रही है, धीरे धीरे है। क्यों धीरे धीरे है? अभी भी हमारी वायु और हमारी कोशिकाएं टकरा रही है, पर अभी स्लो है। जैसे आपने इस तरह से किया तो ज़्यादा आवाज़ हुई, अभी भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। वो घंटे में टन किया तो उसके बाद भी कम से कम 20-25 सेकंड तक जिंगलमेंट आती है कि नहीं? अब उनकी तो फार्मूला यहीं फेल हो गया, तुम्हारा भगवान तो मर गया। तो साहब कह रहे हैं जाप मरे अजबन अजपा मरे अनहद भी मर जाए। सुरत समानी शब्द में बाको खाल न खाए, कौन सा फिर शब्द? सो तो शब्द विदे, उन्होंने इसको शब्द बोल दिया। इसलिए वो कह के आ रहे हैं दो धुने, एक धुनात्मिक एक वर्णनात्मिक। वाह वाह, डिस्क्रिप्शन कैसा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं तीन है, एक मूकात्मिक, जब परमात्मा ने शब्द पुकारे उस समय वायु भी नहीं थी, इसलिए उस पावर को शब्द की संज्ञा दी गई। अभी जब हम ये बोलेंगे कहेंगे हमारे पंथ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड में आवाज़ आपके मस्तिष्क में हो रही है, दो बिना होगी नहीं, इसमें वायु और पृथ्वी तत्व है, माया है नहीं। जहाँ बोलते हैं माया मने धड़ाया, जहाँ आवाज़ निकली वो माया है। मेरी आवाज़ में अभी ऊंचाई है ना थोड़ी, अब ज्यादा हो गया ना ऊंचा, अब क्यों हुआ? ऐसा आप भी करते हैं कभी कभी, किसी को डांटना है तो जोर से बोलते हैं मास्टर जी आवाज ये ऊंची क्यों हो गई? ऐसे मत करना कि हमने कोशिश की, ये परफेक्ट टेंसर नहीं है। वेरी गुड। मैंने जब यूं बोला जब आप दम लगाते तो सांस नहीं लगती है, तब मैंने जब एयर ज्यादा लगाई तो क्या हुआ? इतना तो आपने सही बोला, आगे भी तो कुछ बोलो। क्यों निकली? यहां अटक गए। क्यों निकली? जो मैंने जोर से श्वास फेंकी, स्वर यंत्र को उसने ताकत से, जैसे ये देखो ज्यादा हुई ना, कम हुई ना, इस तरह हुआ। यानी दो के बिना साउंड नहीं है, साउंड में माया पृथ्वी और वायु तत्व है, इसलिए वो परमात्मा कैसे हो सकता है? ये थ्योरी फेल है या नहीं? बिल्कुल फेल है। एक मुद्दा ही खत्म हो गया तुम्हारा, परमात्मा तो खत्म होने वाला है फिर। और साहेब वाणी में कह रहे हैं आए न जाए, मरे ना जन्मे, सोई निज पियो हमारा है। जहां तत्व है वहीं विनाश है, इसलिए वहां तत्व नहीं है। साहेब कह रहे हैं अमृत सागर बाढ़ न पारा, नहीं जानो कैतिक विस्तारा, तामे अधर भवन एक जागा। अधर भवन, अब संसार में ये चीजें समझाने के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। भवन कहते हैं मकान को, अधर मीन्स जमीन में भी नहीं आसमान में भी नहीं। अच्छा नाम अक्षर इकलौता, वहां वो नाम है। हैं अनाम अक्षर के माई, संज्ञा जो है जो भी नाम है ये काल है।
ये काल का व्यवहार है। मैंने कहा अरविंद तो ये काल माया नहीं हुई, जहां बोलता है मन है जुड़ाया, जहां वाणी आई वहां मन और माया है। ये जो सात चक्र हैं इसी से 52 अक्षर निकलते हैं, ठीक है। निअक्षर निरंजन, इसलिए साहेब वाणी में क्या करें, छल अक्षर निअक्षर पारा, कुछ निअक्षर को लेके चल रहे। विनती करे थे दास तुम्हारा, अब आगे क्या करें, धर्मदास तह वास हमारा काल अकाल न पावे पारा, अकाल भी नहीं है वहां। यानी जी ये चौंकाने वाली बात है कि नहीं, काल अकाल न पावे पारा, काल अकाल से भी परे हूं मैं, अकाल से भी परे हूं। नानक देव जी 10,000 जन्म अकाल पुरुष की उपासना किए थे, तब साहेब मिले फिर, ठीक। जिंदा बाबा नाम साहेब का है। सुनो, हर एक के अंदर एक सुरती है कि नहीं, साहेब कह रहे सुरत रूप मोरो है, धर्मदास सुरत रूप में रहा समाई, ये सुरत साहेब का अंश है। कक्का केवल नाम है, बब्बा भरण शरीर, रर्रा सब में राम रहा, इसका नाम कबीर। जो ये मूल चेतना है ये साहेब है, ये ना, इसलिए कह रहे साहेब साहेब क्या करे, साहेब तेरे पास सोहंगम डोर, कबीर हंस लो राखो यम से बंदी छोड़, सूरज चढ़ी आकाश को उन्मन महल बनाए, सोई हंस उजागर जामो अमी समाए, पुरुष मोहर अकह कबीर काल में सोहम धर्मदास कबीर। अब इस दोहे का अर्थ बता दो, खुलते खुलते आ रहे हैं सामने। अमी अंक का बीरा शब्द, जो नाम है अमृत में है वो सूरज से दिया, सोहंगम डोर। अब लोग सोहंग जपने लगे, सोहंग कहते हैं स्वांसा, इस स्वांसा से चढ़ो, स्वांस सूरत एक डोरी लाए, कबीर हंस लोक ले रखो, वाह सुरती उस देश में रखो, यम से बंदी छोड़, सूरज चढ़ी आकाश को उन्मन महल बनाए, उन्मुनि यानी अधर आसन किया आगम पैदा किया, सोई हंस उजागर जामे अमी समाए, वहां से तुम्हें अमृत मिलेगा। का मतलब है जपे नहीं और सूरत उधर ही रहे, तो साहेब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए अनहद भी खत्म जाए, सूरत समानी शब्द में उसको काल न खाए। जिम योगी तिम भोगी देखे, बड़ा आश्चर्य की बात बोल रहे हैं, योगी और भोगी एक जैसे हैं। कमल भेद दोनों यज्ञ लेखे, वाह धुंध दीप दोनों का खेला, इत नर नारी उत गुरु चेला, जोगी उर्ध पवन चढ़ाए, जोगी 6 चक्रों को भेद कर पवन चढ़ाता है ऊपर, भोगी अध पानी ले आए, कोई बताएगा इसका अर्थ क्या है। ठीक है सुनो मैं क्लियर करूंगा, जोगी सभी ये ब्रेन से सहस्त्र सार से उत्पन्न होता है, ये सभी चक्रों को भेद कर पवन चढ़ा कर ऊपर जाता है, कहता है मैं अमर हो गया। भोगी भी अमर होता है, कैसे, वो सहस्त्र सार से बीज नीचे लाता है सभी चक्रों को भेदता हुआ। आगे क्या बोल रहे हैं,
नाथ के बल योगी अविनाशी, बिंद के बल भोगी सुखराशी। यानी योगी नाथ के बल अविनाशी हो जाता है, अमर होता है। भोगी भोग से क्यों अमर हुआ? वो चला गया, अपना अंश छोड़ के चला गया। अब आगे क्या करें? वो भी सभी चक्रों को भेजता है। बिंद के बल जोगी सुखराशी, बिंद वीर्ज को कहते हैं, उसके द्वारा भोगी अमर है। नारी पुरुष जब भा संजोगा, दोनों मिले भोग सुख भोगा। माथे से जब मात जुड़े हु, शिखर कमल ते बिंद उतरे हु। सहस्त्र सार से वीर्ज उतरना शुरू होता है मेरुदंड से, ठीक है साहिब करें। नेत्र से नेत्र जुड़े, जेह बारा द्विदल कमल भेद चल बारा। तब ये दो दल कमल ये भेद देता है। अब नीचे आ रहा है, मुख से मुख जय अवसर चूमा, तभी बिंद अधोगत घूमा। फिर मुख से मुख मिलता है, तब वृज अर्धोमुखी यहाँ से नीचे आता है। देखो साहब कहाँ तक बोल गए, सब तो उनका बनाया हुआ है ना। तब खोटस दल कमल बनाना, द्वादश दल पुन ठहराना। फिर खोटस कमल गले से गला मिला, अंधर चत्र के बिंद उतारा, मणिपूर्वक आसन बारा। हृदय से हृदय मिलता है, अनहद चक्र से वीर्ज फिर नीचे आता है। मणिपूर्वक चक्र तो आसन धारा नाभि में आ जाता है। मणिपूर्वक ते हेठ को हेरा, स्वादिष्टान चक्र पर डेरा। तो मणिपूर्वक चक्र से फिर डाउन आता है। कहाँ से आता है? बैक से गुदा के स्थान से आता है, फिर स्वादिष्टान चक्र से बाहर निकलता है। नारी पुरुष मिल धुंध मचाया, बोला वहां धुंध मचाई। धुंध मचाने से ये क्रिया हुई, जोगी ने पवन से धुंध मचाई और भोगी ने फिजिकल से धुंध मचाई। स्वादिष्टान उतर जल आया, यानी बोले दोनों एक्टिव हुए। ऐसी तो है, नारी पुरुष मिल धुंध मचाया, तब वो नीचे उतरा। टिका आधार चक्र जब आनी, आधार चक्र पर आ गया, गुदा स्थान पर। सह संकल्प भोगी तब जानी, वहां से आधार चक्र से पिचकारी की तरह बोला, तब वो गया वहां। ज्ञान पुत्र योगा जब पायो, अमर भयो फिर गर्व ना आयो। योगी हृदय से जब लो ज्ञाना, तब लो ताको अमर बखाना। ज्ञान लोप होवे जय काला, तब योगी का हो जंजाला। ज्ञान दृष्ट कर योगी जाना, महमे जग में पसराना। आज्ञा पुत्र तिम योगी जाया, वंश वृद्धि जग में फैलाया। इस तरह योगी फिर अपने बच्चे पैदा करता है। कैसे करता है? लोगों को अध्यात्म सिखाता है और अपनी संस्था चलाता है। भोगी फिर पुत्र छोड़कर अपना कुल बनाता है। दोनों तो ऐसे ही है, योग भोग दो ये एक स्वरूप है। अब वो कह रहे हैं कमाई करो। हालांकि इसकी पुष्टि कबीर साहब ने कर दी है, गोस्वामी जी ने भी की, यह सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। कह रहे ये साधना से नहीं होगा, तुम कृपा करो तब होगा। और साहब क्या करें, अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। कंट्रडिक्शन कितनी है। दरअसल जो वहां ऐसे ऐसे पंथों में लोग हैं, ट्रेंड नहीं है, बपोती चलती है, वो उसी को बिठा दिया। उसने न ध्यान किया, न भजन किया, न कोई उसके पास अनुभव था, बस अंधी दुनिया। अंधा अगुआ तेहपुर माही, अंधा अगुआ तीन लोग में बहुत अंधे तेह पासे जाई, दोनों कूप परे मिल जाई। कह रहे दुनिया अंधी अंधा अगुआ है यहाँ। जब अंधा आगे चल रहा है,
तो जो पीछे वो भी कुएं में गिरते जाते हैं। एक बार 100 भेड़ें कुएं में गिर गई। भेड़ की आदत है जहाँ पहली जाएगी बाकी उधर ही जाएंगी, जो पहली गिरी सब गिरती गई, धड़म 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 100 भेड़ें कुएं में गिर गई। ये दुनिया भी ऐसे ही भेड़ चाल है। आज्ञा पुरुष, अब मैं बताता हूँ, मेरे परदादा गुरु ने संस्था जो चलाई तो वो मेरे दादा गुरु को दे गए। देखा वंश चला कि नहीं, दादा गुरु जी ने फिर मेरे गुरु जी को दे दी, वंश हुआ कि नहीं, और मेरे गुरुदेव ने फिर मुझे दी, मैं भी किसी को दे जाऊं। इस तरह वो पोत्रू दोत्रू होते हुए दोनों एक ही है। वाह, मैंने एक बात कही आपने नहीं सुनी, गौर नहीं किया। मेरी वसीयत यह है जब मेरा शरीर छूटे इसका नामो निशान कहीं नहीं मिले, ठीक है। कुछ लोग मरने से पहले अपनी समाधि बना के जाते हैं, अरे तू तो फिर इधर ही रह गया, तू तो यही चाह रहा है मेरा नाम रहे। जिसने चाहा दुनिया में मेरा नाम रहे वो माई का पुत्र बन जाएगा पक्का। इसलिए मेरी वसीयत यह है मेरा नामो निशान नहीं रहे। इसलिए हमारे पंथ में दादा गुरु परदादा गुरु ईष्ट ये पूजनीय नहीं है, केवल गुरु। भोगी अमर हो गया उसका बच्चा हो गया इधर, उसका अंश आया। जब लो वंश जगत में ताका भोगा अमर भयो परिपाका, तब तक वो अमर है। इसलिए वंश कोई खत्म नहीं करना चाह रहा। जोगी विद्या द्वारे जाना, वो विद्या के द्वारा जाना जाता है। भोगी अविद्या ते अज्ञाना, वो अविद्या से जाना गया अज्ञान से। योग भोग दोनों हैं झूठे। अब दुनिया के लोग कहेंगे कबीर अटपटी बोल दी गया, अरे तुम्हारी बुद्धि अटपटी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। संत सज्जन दोहन ते छूटे, संत जन योग भोग दोनों से परे हैं। योग और भोग ब्रह्म जीव माया नाद बिंद जो कुछ उपजाए, ये दोनों ही माया है। योगी योग साधना करे ही भव सागर से ना ही तरे, नहीं तर सकता है। तो यानी ये पूरे फैल है ना। योग और भोग ब्रह्म जीव माया नाद बिंद जो कुछ उपजाया, योग भोग दोनों हैं झूठे, संत सुजन रोहिते छूटे। योग और भोग ब्रह्म जीव माया, ये ब्रह्म जीव माया है। नाद बिंद जो कुछ उपजाया, नाद या बिंद से जो भी पैदा हुआ, आप नाद पुत्र हैं। सो सब भर में एक नहीं सांचा, सांचे सदगुरु की है वाचा। भर में नाद और भर में बिंदु, दोनों भ्रमित है। भर में तुर्क और भर में हिंदू, दोनों भर में। भर में निमाज भर में ही रोजा, भर में ते सब ईश्वर खोजा। भर में ही देवल भर में ही देवा, भर में ही पूजा भर में ही सेवा। भर में धरती भर में आकाशा, भर में को है सकल प्रकाशा। भर्म को रचित सकल संसारा, टूटे भर्म होए भव पारा। अवगत लीला अगम अपारा, धरती धरो सत्य उतारा। अवगत लीला अगम अलेखा, अभरण वरण रूप नहीं रेखा। जाकी गति सुरन नहीं पाई, अविगत की गति वर्ण न जाई। शेष सहस्त्र मुख निश्चिन गावे, अस्तुत करत पार नहीं पावे। वेद जो कोटि सहस्त्र गुण गावे, अभिगत गति वर्णी नहीं जाए। अभिगत की बेगत है मन बुद्धि चित्ते दूर, आपा मिटे सदगुरु मिले पावे दर्शन हुजूर। यहां मैं क्यों मिटाना, मैं ही तो बना। खड़े हो जाओ, सो रहे हो क्या? मैं कोई बेंगा तो हूं नहीं, सीधा तुम्हें देख रहा हूं, देख रहा ना? ये समझ गए तुम सोए थे? कौन खड़ा हुआ?
मन तुम क्या कर रहे थे? ये रटू राम देख लिया, सीधा बोलो मैं खड़ा हुआ, कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है, तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? कौन सुन रहा है? मन बोल कौन रहा है? मन तुम कौन हो? तुम क्या हो? तामे जीव ब्रह्म और माया, ये बहुत गहरी समस्या है। फिर आवे फिर जाई, कर्म ही कर्म बहुत अर्जाई, है निष्कर्म नाम जो ध्यावे, योनि संकट बहुत नावे। आप चाहे कितना भी खोज करना, मेरे शब्दों में कंट्राडिक्शन है ही नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी समझ में है, तुम उसे नहीं समझ पा रहे हो। वाह, कर्म ही कर्म बंधावो भारा, कर्म ही कर्म अटका संसारा। देह कर्म जो लीन उठाई, मन को कर्म छूटे नहीं भाई। अरे तुम देह के कर्म भी बंद कर दोगे, मन की क्रियाएं तो भी रहती है, इच्छा संकल्प वो तब भी रहते हैं, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। जब लग मन का कर्म न खोए, तब लग हरि मिले, तब लग मन निर्मल, जीव निर्मल ना होए। हाँ, मन का कर्म क्या है? संकल्प विकल्प चित्त आदि और क्रियाएं, तब तक आदमी निर्मल नहीं हो सकता है। देखो मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि भोजन छोड़ा, बाकी चीज छोड़ी, आ रहा है इसमें कितना? वैसा तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, फिर आपको नहीं समझाऊंगा, फिर मैं मस्ती में रहूंगा, आपको होने में आपको पहचानूंगा ही नहीं। इसलिए गुरुदेव ने कहा यार डाउन आ भी, लोगों को समझाना है। जब मन की क्रिया मिट जाए, तब प्रभु मिले सहज में आई, वैसे ही मिल जाएगा। मैंने एक बात ये कई बार बोली है, आप और परमात्मा के बीच में सिर्फ मन का आवरण है और कुछ नहीं, वो हट जाए तो वो आपके पास ही है प्रकट पर दिसत नहीं, सतगुरु सहन सहारा है। तन क्रिया को छोड़ के मन क्रिया सुरति राख, मन की क्रियाओं पर फिर आ जा, पहले तन की क्रियाओं को स्टॉप कर दे, फिर मन की क्रिया पर आ जा। कर्म किया अभिमान तज सत्य नाम निष्भाख, तन की करनी देह भाई, मन की करनी सत्य मिलाई। अब मन को पकड़ लेना, फिर तब आगे जा पाओगे, नहीं तो मन रोक देगा। सांख्य योग करनी है सारा, जहते उतरे भवजल पारा, सत्य क्रियाते ज्ञानी भयो, सत्य क्रिया साहेब मिल गयो। सत्य क्रिया सत्पुरुष है ध्यावे, सत्य क्रिया सतनाम मिलावे। सत्य क्रिया निर्माण है तन मन से जो भिन्न, मन पौना धड़के गए सत्य नाम निश्चिन्ह। वाह, मन और पवन को पकड़ के रखना। ये पवन तुम्हारे काबू में नहीं है, इसलिए ये चंचल है, इसको पकड़ करके एक जगह सिमटा देना, यही है सुखमनी। साहब करें शून्य महल की फेरी दे, सो वैरा की पक्का हुई। मैंने अहंकार नहीं, मैं कहा मुझे प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों ज्ञान है, दोनों ज्ञान है। सत्य क्रिया निर्वाण है तन मन से सो भिन्न, मन पौना धड़के गए। मन और पवन को कस के पकड़ना, कैसे पकड़ना? अगर तुम्हारी सुरती नहीं तो पवन नाभि में आएगी, जैसे आई तो माया में आ गई। अब यहाँ क्या करें? चंद और चकोर की दृष्टि से ध्यान कर, यानी सूरत को कहे कबीर सुधियों राखो जो सुई बिच डोरा। आपने देखा इतनी देर मैं आपको कैसे समेट के रखा था, दुनिया की चीजों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाने दिया, और पूरा वातावरण कितना पिन ड्रॉप साइलेंट। इस तरह
पहले कर्म ये क्रियाएं सत्य करो, इसलिए मैं प्रॉपर रूट आपको दिया है। आप बहुत भाग्यवान हैं जो साहब की भक्ति में आए। ये तो आप अनुभव ही कर रहे हैं, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, नाम के बाद आप में कितना बदलाव है आप ये ठीक समझ रहे हैं। अब तुम नाम भी कर रहे हो, नशा भी करो और मांस भी खा लो, कहो गुरुजी माफ़ करना, तो ये नहीं होगा। या दोबारा आकर नाम लोगे तो फिर और महाअपराध, फिर तो चोरी और कर ली। गुरु से कपट नहीं, छल नहीं, भेद नहीं, कमल की तरह मिलना है।